सब लोग। तो आज हम मेरा मतलब मेरा ड्रम्स का आर्ट किट मतलब जो आर्ट मटेरियल है ड्रम्स का जो मेरे पास है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंसिल्स है, वैक्स क्रेयॉन्स है, ब्रश पेन से, स्केच पेन से, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके सब चीज़ें देखते हैं। तो चलो स्टार्ट हम सब सबसे बड़े से करेंगे मतलब डोम्स की ड्राइंग बुक। तो इधर ये है डोम्स की ड्राइंग बुक, ये है इसका इंडेक्स, इसमें मैंने मेरा नाम डाला हुआ है और ये रहा पूरा बुक आपके सामने। इसमें मैंने थोड़ी सी ड्राइंग्स भी कर रखी है, तो आप जल्दी ही मेरे ड्राइंग्स का वीडियो आएगा तो सब्सक्राइब करिए। और ये और एक बुक है हमारे पास डॉम्स की एक्टिविटी एंड कलरिंग बुक आर्ट किड्स जोन नाम करके है डॉम्स की बुक। तो चलिए इसके अंदर क्या है देखते हैं। स्टार्टिंग में इधर है एक या बेसिकली ये ड्राइंग सीखने की मतलब हम ड्राइंग कैसे करते हैं मतलब ड्राइंग कैसे करते हैं उसकी लाइनिंग कैसे करते हैं बेसिकली कलरिंग वगैरह कैसे करते हैं ये सीखने के लिए है ये वाली बुक जो मेरे को मिली है डॉम्स के आर्ट किट में। तो देखते हैं इधर है एक एलिफेंट जो हमने किया है। इधर टास्क लिखा है कंप्लीट द यूनिकॉर्न है तो कंप्लीट करना है इसको इधर लाइंस कनेक्ट करके और फिर कलरिंग करना है। सेम इधर जिराफ है और इधर है एक काउंट एंड कलर मतलब इधर है ना बहुत सारे सी एनिमल्स दे रखे हैं और उनको काउंट करना है और सी के प्लांट्स भी है जो सी में होते हैं वो है बेसिकली और ये सारे हैं तो इनको काउंट करना है। इधर इधर नंबर लिखना है उनका और इसको कलरिंग करना है। सेम इधर वेजिटेबल्स के साथ भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्लैनेट्स क्रॉसवर्ड। तो इधर टास्क है सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल एंड हैव फन कलर द प्लैनेट्स। द इधर प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं और इधर हमारे जो 10 प्लैनेट्स दिए इधर तो इधर 10 प्लैनेट्स दिए हुए हैं उनके नाम लिखने हैं और इनको कलर करना है बेसिकली। सेम ईयर सफारी एनिमल्स के साथ भी है एनिमल्स दे रखे हैं और उनके नाम लिखने हैं इनको कलर करना है सेम। और इधर वाव दिस इज प्रिटी। सो इधर है ना हमें टास्क दिया है सॉल्व द मैथ्स एंड गेट द करेक्ट आंसर नाउ पेंट द हॉट एयर बलून्स विद द इंडिकेटेड कलर दैट मैचेस विद आंसर। सो हियर दिया है मतलब इधर सम्स दिए हैं हमें तो इधर बहुत सारे सम्स दिए हैं मतलब इधर क्लाउड्स में एक वन प्लस सिक्स टू प्लस थ्री सिक्स प्लस वन ऐसे सम्स दिए हैं 8-3 तो ऐसे इनको सब्ट्रैक्ट ऐड करके जो आंसर आएगा बेसिकली जो आंसर आएगा सो इधर 1+1 आया 2 सो जिधर 1+1 2 आया उधर लाइट ग्रीन कलर ऐसा बेसिकली करना है ये अलग है थोड़ा। तो इधर क्या कर रहे हैं हमें एक कैट दिया अम्ब्रेला पकड़कर रेनी सीजन में। तो इधर हमें नंबर्स दिए हुए हैं और कलर्स दिए हुए हैं नंबर्स में। तो वन कलर है जैसे इधर लाइट ब्लू करना है लाइक कलर बाय नंबर्स टाइप। तो चलिए आगे देखते हैं इधर हमें डायरेक्टली कलर करना है ये सोलर सिस्टम मतलब प्लैनेट्स दिए हुए हैं और स्पेसशिप में एलियन बैठा हुआ है ऐसा ड्राइंग है। तो चलिए आगे देखते हैं इधर डायनासोर दिया है इसको कलर करना है अच्छा है डायनासोर डायनासोर वर्ल्ड ओ भाई
क्या कार आई है अब, आई लव इट ब्रो। क्या दिख रही है ये, फुल अभी सुजुकी की जिमनी आई है ना उस टाइप की दिख रही है, तो इसको भी कलर कर रहा है सेम। और इधर पीछे भी एक ड्राइंग है, हाँ है, पैरट है इधर, सो इधर पैरट है, इसको कलर करना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली ये बुक खत्म हो गई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर हमें एक 30 सेंटीमीटर की स्केल दी हुई है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। चलिए चलिए देखो, ये रही है स्केल। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ये टूटेगी नहीं, ऐसी मोटी स्केल है, तो आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। 30 सेंटीमीटर की स्केल है और ये 15 रुपये की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पेंसिल सेक्शन। अब इधर पेंसिल में है स्केच पेंसिल, मतलब इससे स्केचिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राइंग पेंसिल्स बाय डोम्स। तो ये डोम्स की ड्राइंग पेंसिल्स है। इधर लिखा है वन इरेजर इनसाइड द पैक, सो इसके अंदर एक बेसिकली इसके अंदर हमें एक इरेजर भी मिलता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। यस गाइस, आ गया। ये देखो ये पेंसिल्स है, इन्हें शार्प करके दिया है हमें, और एक इरेजर भी है। तो चलिए वह इसमें एक HB पेंसिल है, एक 2B, 4B, 6B, 8B और 9 और 10B की हमें ऐसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेंसिल्स मिलती है। तो आप इससे अच्छी तरीके से शेडिंग कर सकते हैं और पेंसिल का एक स्केच बना सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत पसंद आया। और इधर है सुपर डार्क ट्रायंगल पेंसिल्स। तो इसके ये छोटा पैक है हमारे पास, इसका बड़ा पैक भी आता है पर हमारे पास छोटा पैक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं भाई, इसको ओपन कैसे करते हैं, इधर ओपन कैसे करते हैं। हाँ हाँ, मिला। तो इधर हमें 4-6 पेंसिल्स दी थी पर मैंने 2 यूज़ कर ली। तो इसके अंदर इसके ऐसे ट्राइंगल्स पेंसिल है और फिर इसके नीचे थोड़ा सा कलर भी मिलता है, अच्छी है, मतलब स्कूल में यूज़ करने के लिए। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। अब डोम्स की जो छोटी पेंसिल्स है, मतलब छोटी कलरिंग पेंसिल्स है, मतलब ये डोम्स की कलरिंग पेंसिल्स है। तो अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसी है। तो ऐसी पेंसिल्स है बेसिकली, मतलब इधर ग्रीन इधर ऑरेंज टाइप के ऐसी, और इसके अंदर पेंसिल्स है, मतलब ब्लैक, डार्क ग्रीन, फ्रंट ग्रीन, पर्पल, फ्रंट पर्पल, लाइट ब्लू और एक डार्क ब्लू है, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, पिंक, लाइट ब्राउन और स्किन कलर, ऐसी हमें पेंसिल्स मिलती है। तो ये हो गए बाकी के पेंसिल्स। सेम पैक है एक मेरे पास, सेम, मतलब दोनों भी सेम ही है दोनों पैक्स। तो दूसरा पैक नहीं अनबॉक्स करेंगे हम, तो देखते हैं आगे क्या है। स्केच पेंस है ये छोटे वाले, वाटर कलर्स पेंस। तो ये डोम्स के हैं, 12 शेड्स है इसमें। तो एक नियॉन है, पर्पल है, लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन, ब्लैक, लाइट ग्रीन, पिंक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये शेड्स है इसके अंदर। और इसको मैं नहीं खोल के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि और एक ऐसा पैक पड़ा हुआ है, उसको हम खोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं डोम्स के ऑयल पेस्टल्स। तो डोम्स के ऑयल पेस्टल्स की क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है और ये अच्छे से मिलते हैं, पैकिंग उनकी अच्छी होती है। तो ये है डोम्स के ऑयल पेस्टल्स। तो इधर डोम्स एंड ऑयल पेस्टल्स लिखा है, 12 शेड्स है, मतलब 12 शेड्स है पूरी, और एक स्क्रैचिंग टूल भी मिलता है साथ में कलरिंग करने के बाद स्क्रैच करने के लिए उसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास,
मेरे को सब है ना ऐसे अच्छे ही पैक हुआ हुआ ही अच्छा लगता है। और नाउ हमारे पास है ये छोटा सा शार्पनर डोम्स की तरफ से, एक्स्ट्रा लॉन्ग पेंसिल शार्पनर। तो ये ऐसा ब्लैक कलर का शार्पनर है, मतलब अच्छा है पेंसिल शार्प करने के लिए। इसकी कॉस्ट है 5 रुपये, आप खरीद भी सकते हो दूसरे स्टोर्स पर भी, ये अवेलेबल है। तो इधर हमारे पास है प्लास्टिक क्रेयॉन्स 6 शेड्स, ये रहे डोम्स की। तो अब हम इसे अनबॉक्स करके देखते हैं 6 शेड्स है, मतलब कौन से शेड से देखते हैं। येल्लो, ब्लू, रेड, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक, ऐसे ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स है डोम्स के, आप देख सकते हो। इसकी कॉस्ट है 25 रुपये। वैसे 6 क्रेयॉन्स में 25 रुपये ठीक ठाक है। तो ये है हमारे पास एक्वा कलर्स, मतलब एक्वा कलर केक्स मीन्स वाटर कलर्स। तो 12 शेड्स है, तो इसके अंदर ऐसे हमें केक्स मिलते हैं, पेंट्स मतलब लगता है पेंट्स है जिसके अंदर ब्रश भी मिलते हैं। ये मैंने यूज़ कर रखे हैं, मतलब ये ही पैक मैंने यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हो वाइट, ब्लैक, पिंक, ब्राउन, डार्क ब्लू, पर्पल, लाइट ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, लाइट ग्रीन एंड येलो, ऐसे 12 शेड्स है इसके अंदर। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास फिर से जंबो ऑयल पेस्टल्स। इसकी पैकिंग बहुत प्रीमियम है डोम्स के, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये डोम्स के ऑयल पेस्टल्स है, तो इसको खोलते हैं। इसको एक प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके रखा है। ये पैकिंग डोम्स की मैंने पहली बार देखी है, इसका पैक बहुत प्रीमियम लग रहा है मेरे को। जंबो ऑयल पेस्टल्स है डोम्स के। अभी जो हमने ऑयल पेस्टल्स देखे थे डोम्स के, उससे इनकी साइज बड़ी होती है, देख सकते हो आप। ये देखो, मतलब सेम ही है पर साइज बड़ी है, साइज का डिफरेंस है दोनों में। और इसकी कॉस्ट है तो इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मतलब अब नेक्स्ट वीडियो हम कैमलिन के कैमलिन का रिव्यू देगा आपको, मतलब डोम्स का तो अच्छा ही होता है सब। अब नेक्स्ट रिव्यू हमारा होगा कैमलिन का। तो बने रहेगा चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। तो चलिए ये तो नहीं हो रहा था, ऐसे ही रख लेते हैं। अब है ग्लिटर, 6 शेड्स है हमारे पास ग्लिटर की। तो इसको खोलते हैं अब। तो इसके ऊपर ये जिप टाइप का कुछ तो देखो, मैंने खोल लिया। ऐसे ग्लिटर्स है बहुत सारे, इससे हम मंडला आर्ट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर एक वीडियो भी आ चुकी है मंडला आर्ट इन इजी वे, तो आप देखकर सीख भी सकते हो कैसे करते हैं मंडला आर्ट। तो अब हैं वैक्स क्रेयॉन्स एक्स्ट्रा लॉन्ग जो डॉम्स की तरफ से है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं वैक्स क्रेयॉन्स। चलिए इसको इसको अनबॉक्स करता हूँ। इसके अंदर 12 शेड है शेड्स है, और एक सिल्वर क्रेयॉन भी हमें मिल जाता है। तो आप देख सकते हो ऐसा ये पैक, ये इसका पैक और ये कलर्स है। तो सिल्वर, पिंक, येलो, स्किन कलर, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, सॉरी पर्पल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, वायलेट, सॉरी गाइस, मैं पर्पल बोल रहा हूँ। और ये रहा ब्लैक कलर। तो ऐसे 12 शेड्स मिलते हैं, और एक फ्री सिल्वर चॉक भी मिलता है इसके साथ। तो अब हम इसको पैक कर देते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। और अब है हमारे पास ब्रश पेन, सिक्स शेड्स ब्रश पेन के, ये छोटा वाला पैक है। तो अब हम देखते हैं ब्रश पेन, मतलब इसके अंदर रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, ग्रीन, लाइट ब्लू, ऐसे सिक्स हमारे पास शेड्स आती है। देख सकते हो आप ये ब्रश पेन से। तो इसकी कॉस्ट है 130 रुपीज़। सो आप इसे बाय कर सकते हो। बट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय। अब रहे ये स्केच मैक्स जम्बो स्केच पेन ही है, मतलब इसके अंदर भी 12 शेड्स है, पिंक, वायलेट, रेड, ऑरेंज, येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू, ब्लू और ब्राउन, ब्लैक और एक कौन सा ये ग्रे, ग्रे ग्रे। तो ये मार्क, ये स्केच पेन बेसिकली ऐसे आते हैं जम्बो साइज में, ऐसी इसकी नील राउंडेड। तो आप इसे बाय कर सकते हो। इसका प्राइस है, इसका प्राइस 200 रुपये। आप इसे बाय कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वा कलर पेंस, ये मेरे को अलग लगता है कुछ, ये स्केच पेंस नहीं है। 24 शेड्स है इसके अंदर, बहुत सारी शेड्स है यार। ये देख सकते हो आप, येलो की इतनी सारी है, ऑरेंज, रेड, पिंक, ये पर्पल, वायलेट, लाइट ब्लू, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे और ये अलग शेड है कौन सा, तो ये शेड ही अलग है, मतलब ये ग्रे, ये हाँ ये फेंट ग्रे है और वो डार्क ग्रे है। यस यस यस, आई गॉट इट। सो हमारा सब हो चुका है। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।